नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमित कुमार सचिन और आज मैं इस वीडियो में आपको एडसेंस के एक इरर के बारे में बताऊंगा, जिसमें जब कोई आप अपने वेबसाइट को अप्रूवल के लिए भेजते हो तो अप्रूवल के टाइम ही या तो कोड वो एक्सेप्ट नहीं करता है, आप जो भी कोड पेस्ट करते हो अपने वेबसाइट में, या फिर अप्रूवल के बाद भी वो इरर बताता है कि आपने अपने वेबसाइट पर सही से कोड पेस्ट नहीं किया है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, मेरे एक सब्सक्राइबर ने अपने वेबसाइट को एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजा था तो वहाँ से रिप्लाई आया कि आपने अपने वेबसाइट पे एडसेंस का कोड सही से पेस्ट नहीं किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इरर दिखा रहा है जिसमें लिख रहा है कि वी कुड नॉट फाइंड द कोड ऑन योर साइट, दिस इज बिकाउज द कोड इज आइदर मिसिंग और इनकम्प्लीट और बिकाउज द URL ऑफ योर साइट इज इनकरेक्ट। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि या तो आपने कोड पेस्ट नहीं किया है या वो मिसिंग है, या आपने URL अपने साइट का इनकरेक्ट डाला हुआ है। बहुत सारे लोग अपने वेबसाइट को अप्रूवल के लिए जब सबमिट करना चाहते हैं तो वहाँ पे एक पॉपअप आता है जिसमें लिखा रहता है कि आपके वेबसाइट पे एडसेंस का कोड मिसिंग है। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे इस इरर को आप दूर कर सकते हैं और एडसेंस का अप्रूवल आसानी से ले सकते हैं। तो जो लोग एडसेंस का कोड पेस्ट कर करके अपने वेबसाइट में थक गए हैं, फिर भी उनका कोड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है गूगल एडसेंस, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको तीन तरीके बताऊंगा इस इरर को सॉल्व करने की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे सब्सक्राइबर की वेबसाइट है neetuhindi.com। इन्होंने टोटल 50 पोस्ट लिखे हुए हैं और ये सारा पोस्ट खुद से लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने जब अप्रूवल के लिए भेजा तो वहाँ से इरर आया कि आपने अपने वेबसाइट पे कोड सही से पेस्ट नहीं किया है एडसेंस का। तो चलिए हम पेस्ट करके दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ आप पेस्ट कर सकते हैं और ये एडसेंस वो फाउंड कर पाता है कि नहीं कर पाता है, और कौन से मेथड में एडसेंस कोड को फाउंड कर लेता है। तो सबसे पहला जो सबसे आसान मेथड है वो है अपने वेबसाइट पे एक प्लगइन इंस्टॉल करके हेडर में कोड पेस्ट करने का। तो चलिए हम एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। आपको यहाँ पे टाइप करना है हेडर फुटर, आपको ये प्लगइन दिख जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद ये प्लगइन आपको सेटिंग में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इंसर्ट हेडर एंड फुटर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक हेडर का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें आपको इस कोड को कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो बहुत बार क्या होता है कि स्क्रिप्ट का टैग एक ही लाइन में होने की वजह से बहुत सारा थीम सपोर्ट नहीं करता, तो आप इसको इंटर करके देख सकते हैं कि वो वहाँ पे फेच कर रहा है या नहीं कर रहा है गूगल एडसेंस। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेना है। सेव हो जाने के बाद आपको अपने वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट पे जाके यहाँ पे आपको एक व्यू पेज सोर्स का एक ऑप्शन मिलेगा, अगर आप राइट क्लिक करोगे तो किसी भी ब्राउज़र में। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि हेड टैग के नीचे जस्ट आपको ये कोड फाउंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोड फाउंड नहीं हो रहा है, मतलब मैंने जो अभी इस पर थीम लगाया है वो इस प्लगइन में जो कोड ऐड हुआ है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर आप पहली बार अपने वेबसाइट को सबमिट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जो आप चेक कर सकते हो क्लिक करके कि आपका कोड अभी फेच कर रहा है या नहीं फेच कर रहा है गूगल एडसेंस। लेकिन यहाँ पे मैंने एक बार सबमिट कर चुका हूँ तो वहाँ से ये रिप्लाई आया तो डायरेक्ट सबमिट होगा यहाँ पे। इसलिए आप एक बार यहाँ पे चेक ज़रूर कर लें कि यहाँ पे आपको कोड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कोड दिखे तभी आप वहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करें। तो ये तो हुआ पहला मेथड। उसके बाद अगर आपको इस तरह से भी फाइंड नहीं हो पा रहा है तो आपको यहाँ अपीयरेंस में जाना है और थीम एडिटर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपके थीम का HTML कोड दिख जाएगा, उसमें आपको थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे थीम हेडर का एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम लिखा होगा header.php। इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ जहाँ पे हेड टैग ओपन हो रहा है
उस पे इंटर क्लिक करना है और यहाँ पे कोड आपको पेस्ट कर देना है। कोड पेस्ट होने के बाद आपको यहाँ अपडेट फाइल पे क्लिक कर लेना है। पहले इस पेज को रीलोड कर लेते हैं, उसके बाद व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करके हम देख लेते हैं कि हमने जो कोड डाला है वो अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोड दिखा रहा है, लेकिन बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं कि यहाँ पे कोड दिखाता है फिर भी यहाँ पे आपको गूगल एडसेंस फेच नहीं कर पाता है। अगर आप यहाँ पे चेक पे क्लिक करते हो तो गूगल एडसेंस फेच नहीं कर पाता है। उसका मेन कारण ये है कि गूगल एडसेंस आपके थीम से एडसेंस के कोड को फेच नहीं कर पा रहा है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको थीम चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे फ्री थीम आप यूज़ करते हो जो वर्डप्रेस पे अवेलेबल होता है, वो सब गूगल एडसेंस के कोड को सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर आप थीम चेंज करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप न्यूज़पेपर 10 थीम यूज़ करो, ये कोड को आसानी से फेच कर लेता है। तो मैं ये थीम एक्टिवेट कर लेता हूँ, मैंने इस पर ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आप इंस्टॉल कैसे करेंगे वो जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी अब इस पर एक वीडियो सेपरेट बना रखा है, न्यूज़पेपर थीम को कैसे इंस्टॉल करेंगे और न्यूज़पेपर थीम कैसे वर्क करता है और कैसे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। तो आप एक बार उसको जाके ज़रूर देख लें। तो मैंने इस पर न्यूज़पेपर थीम इंस्टॉल कर दिया है, तो अब मैं एक बार इसको रिलोड करके देख लेता हूँ। हम इसका लेआउट थोड़ा सा सही कर देते हैं, उसके बाद ही हम इसको एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजेंगे। तो मैंने लेआउट चेंज कर दिया है। उसके बाद आपको कोड जो है अपीयरेंस में जाके थीम एडिटर पे भी आप ऐड कर सकते हैं, या फिर मैंने जो प्लगइन बताया हेडर फुटर उसमें भी जाके ऐड कर सकते हैं। दोनों जगह आप पेस्ट कीजिएगा, आपका कोड फाउंड कर लेगा। तो मैंने ऑलरेडी कोड पेस्ट किया हुआ है, तो हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिख देगा थैंक यू फॉर रिजॉल्विंग द इशू, और आपका सबमिट के लिए चला जाएगा रिव्यू में। तो वैसे तो ये 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई दे देता है, बट इधर एडसेंस में काफ़ी टाइम लग रहा है, 2 वीक्स तक लग जा रहे हैं रिप्लाई देने में। तो आप चेक कीजिए और जो भी इरर आए, मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप एडसेंस के ज़रूर वो वीडियो देख लीजिए, आपका इरर दूर हो जाएगा। तो अगर कोड पेस्ट करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप थीम चेंज करके देखिए, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व अभी भी नहीं हो पाया तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आपकी हेल्प करूँगा। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज करके बता सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूँगा। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।